नमस्कार दोस्तों, क्वाइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैंने आप लोगों को एक 25 पैसा सिक्के दिखाऊंगा। 25 पैसा ये कॉइन बहुत कीमती कॉइन है, क्योंकि आप लोग जानता ही है 25 पैसा सिक्के अभी बैन हो गया, इसलिए मार्केट में अभी ये सिक्के मिलते नहीं है। लेकिन आरबीआई ने 25 पैसा वाला जितना सिक्के मिंटेज किया था, वो सिक्के मार्केट से पूरा पूरी आउट नहीं हुआ। डीलर लोग के पास ये सिक्के बहुत सारे है, और कलेक्टर लोग ये सिक्के कलेक्ट करता है, सेलर लोग ये सिक्के सेल भी करता है। तो दोस्तों, मैंने आज जो 25 पैसा सिक्के की बात कर रहा हूँ, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत कीमती सिक्के है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने का पहले कृपा करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। आरबीआई ने 1972 से लेकर 1990 तक ये 25 पैसा सिक्के मिंटेज किया था। ये सिक्के की वेट है 2.5 ग्राम, 19 मिलीमीटर सर्कुलर कॉइन। इसके अंदर मैंने आज आप लोगों को 1980 वाला सिक्के के बारे में बताएगा। 1980 वाला सिक्के इंडिया का तीनों मिंट से मिंटेज हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद। कॉइनेज किताब में इसका जो प्राइस है वो भी मैं बताएगा। तो दोस्तों, ये सिक्के कीमती क्यों? 1980 का जो सिक्के मैं दिखा रहा हूँ, ये सिक्का है कलकत्ता मिंट का, आप लोग जरा ध्यान से देखिए, जेम यूएनसी कंडीशन का कलकत्ता मिंट का सिक्का है। बॉम्बे मिंट के सिक्के भी मैं दिखाऊंगा और हैदराबाद मिंट का भी। ये जो 1980 वाला सिक्के कलकत्ता मिंट का, इसका क्या प्राइस है मैं बताएगा। उसका पहले बॉम्बे मिंट का सिक्के के बारे में मैं बताऊं। आरबीआई ने ये सिक्के जब मिंटेज किया था, 1980 वाला 25 पैसा सिक्के, ये सिक्के कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट जितना मिंटेज हुआ था, उसके अंदर बम्बई मिंट मिनिमम मिंटेज हुआ था। ये मिनिमम मिंटेज होने के कारण ये सिक्के रेयर हो गया और मार्केट में ज्यादातर सर्कुलेशन नहीं हुआ। जो लोग कॉइन का बारे में जानता है, वो लोग 1980 वाला बॉम्बे मिंट का सिक्का पहले से ही अपना जेब में रख दिया और इसको अभी मार्केट में भी सेल करना शुरू कर दिया। 1980 का बॉम्बे मिंट वाला सिक्के बहुत बहुत कमती मिलता है, ये एक्स्ट्रा रेयर सिक्के है, इसीलिए इसका अभी जो मार्केट प्राइस है वो बहुत बहुत हाई है। अगर ये सिक्के आप लोगों के पास है तो इसको संभाल के रखिए, क्योंकि घर में डाका पड़ जाएगा, इतना कीमती सिक्के है ये। मैं इसका प्राइस आप लोगों को बताएगा। कॉइनेज किताब में 1980 वाला 25 पैसा सिक्के की जो प्राइस दिया है, कलकत्ता मिंट का प्राइस 15 रुपया, 25 रुपया और 100 रुपया हर सिक्के की प्राइस। हैदराबाद मिंट का एक कॉमन सिक्के है, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। कलकत्ता मिंट वाला स्क्वायर सिक्के है, और बॉम्बे मिंट वाला ये 25 पैसा सिक्के एक्स्ट्रा रेयर सिक्के है। इसका जो प्राइस कॉइनेज किताब में दिया है, मिनिमम 10,000, उसको ऊपर 20,000, उसका ऊपर आपका मनगढ़ंत प्राइस। मैंने क्या बोला, 10,000, 20,000, उसके ऊपर आपका मुंह बोली प्राइस में सिक्के मार्केट में सेल होगा, अगर आप लोगों के पास है तो। तो दोस्तों, 1980 वाला 25 पैसा सिक्के अभी मार्केट में 30,000, 35,000, 40,000 रुपया में एक सिक्के सेल होता है, इसका कंडीशन का ऊपर। तो दोस्तों, एक दो सिक्के आपका घर में रहेगा तो जरूर डाकू लोग आपका घर में पहुंच जाएगा। एक चुवानी की सिक्के की प्राइस अगर 30,000, 35,000, 40,000 होगा तो क्या कम है? कमती नहीं है दोस्तों, इसीलिए ढूंढते रहिए। आप लोगों के पास जो सिक्के है, ये 25 पैसा सिक्के के अंदर बॉम्बे मिंट का सिक्के है कि नहीं है, जो भी कंडीशन हो, मिनिमम 10,000 रुपया मिलने वाला है एक सिक्के में। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को पूरा कॉइनेज किताब से इसका प्राइस बता दिया और इसका करेंट मार्केट वैल्यू भी बता दिया। आप लोग ढूंढते रहिए 1980 वाला बॉम्बे मिंट का 25 पैसा कॉइन को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।